हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है अच्छा होंगे। आज का इस वीडियो में एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताया है, कहाँ पर 2 फुट का सेप आएगा, कहाँ पे आधा इंच का सेप आएगा, कहाँ पे 1 इंच का सेप आएगा। एक बार इस वीडियो को बिना स्किप करके एक बार देख लेना तो 100% गारंटी का साथ कॉलर कटिंग में दोबारा कभी भी आपको परेशानी नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टंक पट्टी काटने के लिए सबसे पहले इस साइड से हम एक सीधा मार्का लगा लेंगे, कुछ इस तरीके से हम एक सीधा मार्का लगा लेंगे और फिर इस मार्के से लेके अब 2 इंच का एक मार्का लगाएंगे। 2 इंच 2 फुट हमने 2 इंच 2 फुट का मार्का लगा लिए। फिर इस मार्के से भी लेके 2 इंच 2 फुट पे एक मार्का और लगा लेंगे। ये दोनों मार्के को हम सीधा मार्का लगा देंगे। कुछ इस तरीके से मार्का लगाने के बाद सबसे पहले हम जो बैक का नेक होते हैं वो हमारा 4.25 इंच का आएगा कंधे, तो कंधे के हिसाब से एक मार्का यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम जो स्टंक पट्टी कटिंग करते हैं हम 16.5 इंच का काटेंगे और ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ है तो यहाँ पे 8.25 इंच आ रहे हैं, तो 8.25 इंच से भी हम 3 फुट कम कर लेंगे क्योंकि टोटल में 1.25 इंच बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के सेप जाएगा तो 1.25 इंच बढ़ जाएगा, इसके वजह से हमने 3 फुट कम कर लिए। तब ये दोनों मार्के को हम सीधा मार्का लगा लेंगे। सबसे पहले ये वाला मार्के से लेके यहाँ पे 3 फुट का एक मार्का लगाएंगे जो आधा इंच से 1 फुट कम, और फिर इस वाले मार्के से लेके यहाँ पे 1 इंच एक मार्का लगाएंगे। 1 इंच का मार्का लग गया। अब इस मार्के से लेके बहुत खूबसूरती से इस पॉइंट पे मिल जाएगा, तो कुछ इस तरीके से इस सेप को हम स्केल से कुछ अच्छा से लगा लेते हैं। इस मार्के से लेके इस मार्के तक पहले लगाएंगे। हमने सेप का मार्का लगा लिए, हम 1.25 इंच का काटेंगे स्टंक पट्टी, तो 1.25 इंच का मार्का हम इस साइड से लगाते हुए चला जाएंगे। जो 1 इंच 2 फुट का मार्का है वो हम इस वाले मार्के पे रखेंगे और एक जैसा पूरा मार्का लगा लेंगे इस तरीके से। इस मार्के से लेके यहाँ पे 1.25 इंच कम कर देंगे ये जो ऊपर वाला नेक है उसके लिए। इस मार्के को हम सीधा मार्का लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और इस मार्के को भी हम अच्छा से मार्का लगा लेंगे। कॉलर का सेप कितना अच्छा से हो गया। यूट्यूब में बहुत सारा बंदा सिखाते हैं कि यहाँ से लेके और ये सीधा कर दो, 3-3.5 इंच से लेके डायरेक्ट राउंड पे मार्का लगा दो, तो स्टंक पट्टी अच्छा से नहीं बैठते हैं। स्टंक पट्टी का प्रॉपर तरीका यही है, तो इस टाइप पे काटा जाए। अब जो हाफ स्टंक पट्टी का कलर आते हैं सामने से ओपन रहते हैं तो इस साइड से कम कर सकते हो, और आपको इस साइड साइज से बड़ा साइज का काटना है तो इस साइड से आप बढ़ा सकते हो इसको आगे करके। ये वाला सेम रहेगा, और आप कोई स्टाइल वाला काट रहे हो तो सारा जो भी स्टाइल होगा ऊपर होगा, कुछ इस तरीके से सेम जो जाते हैं अच्छा से। यहाँ पे चौड़ा यहाँ पे पतला कुछ भी होगा सारा सेप इस साइड में होगा, और राउंड कॉलर भी इसी कॉलर से आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। राउंड कलर भी कटिंग हो जाते हैं, ये कोना से राउंड कर दूंगा तो राउंड कलर भी इसी से बन जाते हैं। इसको हम कटिंग कर लेते हैं और इसको शेप देख लेते हैं कितना खूबसूरत आया होगा।
जिस तरीके से कट जाते हैं, और इसका राउंड भी हम कर देंगे। ये हमारा कोला कटिंग हो गया, इसको हम खोल के देखते हैं। ये आप देख सकते हो कलर का कितना अच्छा से कितना खूबसूरत शेप आ गया। चाइनीज कलर कुछ इस तरीके से कट जाएगा, ये कलर सब में लग जाएगा। अब शेरवानी में भी लगा रहे हो, कुर्ता में भी लगा रहे हो, और शर्ट में भी लगा रहे हो, सब में एक कलर लग जाएगा।